मेरे बिरादरा, मैं इस मुश्किल घड़ी में ये कल कयामत अगर कोई मुसलमान वफा की तारीख पढ़ना चाहेगा, अगर उसकी किस्मत में होगा, अगर कोई इसको वफा की तारीख पढ़ना चाहेगा तो वो इन सहाबा को पढ़े। 70 सहाबा की शहादत हुई, मैं उनमें सिर्फ हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल थे। सरकार ने मक्का से इनको भेजा था कि जाओ मदीना मुनव्वरा में दीन की तबलीग करो, इनकी तबलीग से पूरा कबीला औस मुसलमान को खबर था। इन्होंने आपके खून आपके दीन मदीना में दीन फैलाया हुजूर की हिजरत से पहले। और दूसरा मैंने पढ़ा कि इनकी शक्ल कुछ इनकी शक्ल अल्लाह के रसूल से मिलती थी। मेरे ब्रदरान मतलब मुसअब बिन उमैर अलैहि सलाम इनके हाथ में झंडा था। एक काफिर बिजली की तेजी से इन पर आया, तेजी से आया, तलवार उसके हाथ में थी। बहुत का मैदान है, एयर कंडीशन मस्जिद में तस्बीह पढ़ना और आया। उसने आपके दाएं हाथ में दो सिंगल मार मारी, हाथ पे क्रैक नहीं हुआ, फ्रैक्चर नहीं हुआ जिसमें आप रो पड़ते हैं, फ्रैक्चर हो गया हड्डी का। इस तेजी से उसने तलवार दाएं हाथ पर मारी कि वो आपका दाया बाद को कटकर जमीन पर गिरा। ए बिरादर, क्या मुझे दाएं हाथ का झंडा गिरने झंडा दीन का गिरने नहीं दिया? हजरत शेख है, मैं दो तीन किताबें पढ़ा, फौरन उन्होंने अपने बाएं हाथ में झंडा लिया। वो काफिर जो आया था उसने फिर तेजी से तलवार मारी, बाएं हाथ काट के रख दिया। कहते सहाबा ने क्या किया हमें खबर ही नहीं, फैदाड़ियां हो गई, हमने अजमात पढ़े ही नहीं। मैं भी तस्बीह पढ़ रहा हूं, कौन पढ़ेगा? हिंदू पढ़ेंगे, सिख पढ़ेंगे। उसने तलवार मारी, दूसरा हाथ काट दिया, झंडा नहीं गिरने दिया। दोनों भाग हट गए, इन कटे हुए बाजू से इस्लाम का झंडा अपने सीने से। अगली इससे भी बड़ी बात, भागे नहीं, दौड़े नहीं, गिरे नहीं, पुकार नहीं, आए मेरा कारोबार, आए मेरे बच्चे, आए मेरा घर, मैं मर गया, मैं नाम का चंगा सी। जब भी उनको तलवार लगती सीने से झंडा है, वही खड़े हुए हैं। वो जुबान पर जुमला उनका ये था, मैंने पढ़ा कि ये आयत अभी उतरी नहीं थी, अल्लाह ने उनकी जुबान पर पहले ही जारी करा आयत उतरी नहीं थी, एक हिस्सा उसका भी नहीं उतरा था, अजूम पर नहीं उतरा था। उनको जब भी तलवार लगती सीने पर, सीने से लगाया हुआ है रसूलुल्लाह के झंडे को। इसलिए हमारे बुजुर्ग उन्हें कह गए, कामयाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की वफादारी में, आईएमएफ की वफादारी में नहीं,
वो सीने से झंडा लगा हुआ, और जब भी उन पर हमला होता वो जुबान पर क्या कहते, ऊंची आवाज से कहते। क्या वो गज़वाए उहद का मंजर होगा, उस मकाम का मंजर क्या होगा? कुरान पाक कहता है तो हदीसुल अखबार रहा, कयामत वाले दिन जमीन अपनी खबरें बताएगी। क्यों भाई तो हदीसुल अखबार, कयामत के दिन ये जमीन हर एक की बात को बयान करेगी। तो वो जमीन उहद की बताएगी, हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला को ऊंची आवाज से जब भी हमला होता ये आयत पढ़ते, उमर मोहम्मद इल्ला रसूल, काफिर खुदरो मेरा मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, तुम मानो या ना मानो मेरे बाजू कट जाए, दोनों कट गए, लेकिन ऊंची आवाज से कह रहे थे उमर मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अदखलत बिन कब्दे इर्जु, ये जुमला बात अल्लाह ने पहले उनकी जुबान पर जारी किया। फिर उसी काफिर ने तीर मारा, नीचे गिरे शहीद हुए। ये हजरत मुसअब बिन उमैर है। मैंने हदीस में पढ़ा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन शुहदाए उहद को कयामत तक जो भी सलाम करेगा ये उसका जवाब देगा।